चले जाना। कहते हैं देखो भक्ति जगत में कभी कभी ये माया भी बड़े प्रबल है, ये माया है ना, कहते ये इतने प्रबलता भक्ति जगत में, ये कभी कभी माया भी भक्तों का पीछे पड़ जाती है, सबसे ज्यादा पीछे माया बढ़ जाती है। तो गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, कहते एक समय श्री रंगत जी में, रंगत जी कहते में कोई एक था जो ठाकुर जी की रंगत जी की सेवा करता था, बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी, और उनके बड़े सुंदर बाग थे जिसमें सुंदर सुंदर तुलसी फूल होता था, और रोज ठाकुर जी के लिए फूल तुलसी लेकर के रंगत जी की सेवा करता था। एक दिन वो रंगत जी के लिए भगवान नारायण के लिए फूल और तुलसी चयन कर रहा था। दो बहनी थी, वो दोनों ही वेश्या है। एक समय उधर से होती जा रही थी, जाते समय जो बड़ी बहनी ने देखा ये ब्रह्मचारी, बड़े सुंदर ब्रह्मचारी और बड़े आविष्ट तक साथ में फूल और क्या तुलसी चयन कर रहे हैं और प्रभु का नाम को जप कर रहा है। बड़ी बहनी छोटी बहनी को कहती, बोले देख रहे हो कितने अच्छे साधु हैं, कितने प्रभु की भजन में आविष्ट है, ठाकुर जी के लिए चिंता में कैसे निभा। लेकिन जो छोटी बहनी थी ना, वो बड़ी बहनी से ज्यादा सुंदर थी। इतने में उसने बोले, रख रख, हम ऐसे कितने ब्रह्मचारी को देख लिया। वो तब तक वो ब्रह्मचारी जब तक मेरे तरफ में देखती नहीं है, तब तक ये ब्रह्मचारी। बड़ी बहनी कहती, तुम नहीं जानते संतों को, संत लोग ठाकुर की सेवा भक्ति करने वाले हैं, इसलिए तुम नहीं जानती हो। अभी दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। बड़ी बहनी कहती है संत लोग भक्ति करते भजन करते हैं, लेकिन छोटी बहनी कहती है इस सब का हम जानती हूँ, है जब तक मेरे तरफ में देखेगा नहीं तब तक साधु देखेगा तो साधु भाधु सब भ्रष्ट हो जाएंगे सर के साथ। दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो बड़ी बहनी कहती है अगर तुम इसको गिरा नहीं सकती तो, छोटी बहनी कहती है मैं गिरा कर दिखा दूंगा, तो बोले मैं तुम्हारी दासी बन जाए, बोले देख इसको मैं क्या करती हूँ। उसने किया कि नाटक की रिम झिम बारिश हो रही थी, उसने जानबूझ करके पतला कपड़ा पहन करके आ गई, और देखना जब बारिश हो ना कपड़ा भीग जाती है, भीगने पर शरीर में चिपक जाती है। उसने जानबूझ करके उसको फंसाने के लिए उसने किया कि वो जो बाबा जहाँ पर फूल और तुलसी चयन कर रहे थे ना, उसको ठीक सामने आकर गिर पड़ी, और उसने नाटक करना शुरू कर दी, मर रही हूँ कोई हो तो मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मैं मर। वो बेचारा फूल और चयन कर रहा था तुलसी, उसको कान में लड़की की आवाज पड़ी, बोले कोई लड़की रो रही छोड़ने दो, लेकिन वो तो फंसाना चाह रही थी। फिर जोर जोर से चित्कार कर, बचाओ मैं मर रही हूँ, मेरे को बचाओ मैं मर रही हूँ, कोई बचाओ हो तो। अभी संतों का हृदय बड़ दया, संत हृदय नीत समय, अभी सुन सुन कर तब तो का हृदय धारण कर, मतलब देखता हूँ जाकर के देखा तो वो छटपट छटपट नहीं, वो नाटक कर रही थी, छटपट कर रही थी। देख कर उसने बड़े दया आई और उसने कंडा को जलाया, छटपट कर रही थी, थरथर की कांप रही थी, कंडा जलाया और उसको शरीर को उन्होंने सिकाई दी। सिकाई जब की उसने सही होकर चली गई, लेकिन देखो उसने जो सिकाई की, पतली कपड़ा पहनी हुई थी, शरीर में कपड़ा चिपक रही थी, बाहर से सारा शरीर दिख रहा था, उसने जब देख लिया बस इसका तो मन विचलित हो गया। फिर क्या हुआ, वो जानबूझ कर फंसाने के लिए वो बारम्बार उसी रास्ता में जाती, बोले बाबा राधे राधे राम राम है, और जानबूझ कर उसको फंसाने के लिए राम राम राधे राधे। अभी धीरे धीरे कोई एक चीज छुपा छुपा करके दे जाती है, उसको छुपा छुपा करके बाबा इसको ले जाओ, ऐसे करते 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 एक दिन उसको प्रेम में संपूर्ण फंसा ली, ऐसे प्रेम में फंस गई, ठाकुर को सेवा पूजा गया चूल्हा, गया चूल्हे में सब ठाकुर को सेवा पूजा, अभी बन गई उसकी नौकरा, नौकर बन गया, छुपा छुपा करके सब चीज को देता है ठाकुर का चीज। अभी जब देने लग गया, अभी ठाकुर जी सोचने लग गए ये तो मेरा भक्त गया, ये का भजन करने के लिए आया था, घर बार छोड़ कर भक्ति कर रहा था, ये तो इसके चक्कर में फंस गया, इसने इसने फंसा दिया। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर बड़े दयालु कृपालु, ठाकुर जी ने सोचा इसको उधार में से कैसे कर, कहते गया मेरे हैं, अभी मेरा चिंता किया, मेरे दिन तो मेरा चिंता ही करता नहीं, वो तो अभी वेश्या के दिन भर चिंता कर रहा है। एक दिन क्या किया ठाकुर ने, जानबूझ करके उनके जो सोने की कटोरी, सोने की ग्लास और सोने की प्लेट था ना, ठाकुर जी ने क्या किया, खुद चोरी करके ना वो रख दिया, वो वेश्या घर में पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया सबेरे हल्ला हो गया, ठाकुर के सोने की कटोरी ग्लास थाली चोरी, हल्ला जब हो गया
राजा को पास में खबर गया, राजा सीआईडी लगा दिया। सीआईडी लगाते लगाते देखा वो वेश्याओं घर में। बोले वेश्याओं घर में कैसे आया? सीआईडी देखा, बोले वो जो ब्रह्मचारी है ना, इसको घर में आता है, वो जो ठाकुर का सेवा पूजा करता है घर में ही आता है। बास पकड़ा गया, बोले जेल में कर दे इसको। अब इसको जेल में ठोस दिए। जब जेल में ठोस दिए, वो जो ब्रह्मचारी था, बोले हाय रे, मैं कहाँ प्रभु की भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था, हाँ कहाँ आनंद में रह रहा था, मेरे मन चित्तवृत्ति कहाँ चला गया, कहाँ मैं माया में फंस गया, और ऐसे नहीं माया में फंसा तो अभी जेल में बंद हो गया है। अब मैं जेल में फंस चला गया, मैंने कितनी गलती काम की, क्यों उसको साथ में मैंने प्रेम की। फिर रो रो करके उसने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, ठाकुर जी मेरे को उद्धार कर। जब खूब हृदय में रोए, खूब बिलबिलाए, तो इतने में ठाकुर जी स्वप्न दिया राजा को। बोले महाराज, इसने चोरी नहीं किया है, चोरी मैंने की है, चूंकि ये एक वेश्या के चक्कर में फंस गया था, इसको उद्धार करने के लिए मेरा भक्त था, दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ था, और मेरी सेवा छोड़कर माया की सेवा में लग गई है, इसलिए उसको मैंने उद्धार करने के लिए ये नाटक किया है, अब उसको छोड़ दो। जब उसने छोड़ दिया, फिर उसने माफी मांग कर खुद को से छोड़ दिया। गुरुदेव कहते थे ये ब्रह्मचारियों के लिए सावधान, इसलिए साधु सावधान, माया कितने तरह से ये ब्रह्मचारियों को गिराने के लिए प्रवेश करती है। गुरुदेव कहते थे सुई बन कर तो निकलेगी, और जब निकलेगा ना थाल बन करके निकलेगा, थाल बन करके निकलेगी, और देखोगे सारे भक्ति भक्ति जा करके कहाँ गड्ढे में गिर जाओगी। इसलिए हमें गुरुदेव कहते भैया ये माया से सावधान रहो, साधु सावधान। इसलिए यहाँ पर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते मुहूर्त तमछाचरणम, जैसे थोड़ी समय के लिए ब्रज, ब्रज क्या है, भगवान की लीला भूमि है, जैसे थोड़ी समय के लिए वहाँ अंधकार आ जाती है, साधो का जीवन भी कभी कभी ऐसे अंधकार आ जाती है। इसलिए जान बुझ करके टांग अड़ा करके ब्रह्मचारियों को किसी माया से कोई संबंध नहीं रखनी चाहिए, संबंध केवल गुरु वैष्णव से बात ठाकुर को सेवा। इसलिए छुपा करके भी हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई सोचेगा हम क्या कर रहे हैं, कौन गुरुदेव को थोड़ी पता, ठाकुर को पता है कि नहीं हम कोई काम कर रहे हैं, ठाकुर जानते कि नहीं, ठाकुर से कोई चीज छुपा सकते हो? इसलिए पाप की घड़ा जब भर जाती है ना, फिर फटती है, फिर उसको कोई छुपा नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं जब फोड़ा कहीं अगर गुप्त जागरण में हो गया, डॉक्टर को नहीं बोले ना, एक तीर पूरा शरीर को गला देगा वो फोड़ा। इसलिए कोई चीज को हम छुपा करके नहीं कर सकते हैं। ये ठाकुर जी गुरु वैष्णव सब जानते हैं, एक दिन सब के सब भार खोल देते हैं, भार को खाद खोल देते हैं। इसलिए भक्तों को सावधान रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव बीच बीच में मथुरा में रहते समय ब्रह्मचारियों को सावधान करने के लिए ये बात को गुरुदेव बीच बीच में कहते थे, कभी माया के साथ में कोई संबंध को मत रखना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।